बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेवन्थ क्लास। आज हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 8.3, क्वेश्चन नंबर 2। जी क्वेश्चन नंबर 2 में है सिंप्लीफाई करें। यहाँ पे हम जो कर हमारा जो टॉपिक था वो था मल्टीप्लिकेशंस। तो मल्टीप्लिकेशंस कर रहे थे हम, किसमें हमारे पास जो टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस थी उनमें। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमने जो मल्टीप्लाई करना है कि अब ये देखिए यहाँ पे हमारे पास जो है, एक तो है एल एम इंटू एल प्लस एम। तो इस तरह से जब हमारे पास टू टर्म्स हैं और इसके साथ ब्रैकेट है और साथ जो है कोई और टर्म में जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही है, तो वो हम कैसे करेंगे आज आपको बताया जाएगा। अब ये देखिए सबसे पहले जैसे कि है बच्चे एल एम इंटू एल प्लस एम, तो देखिए सबसे पहले एल एम जो है ये मल्टीप्लाई होगा एल के साथ, फिर उसके बाद यही एल एम जो है वो मल्टीप्लाई होगा एम के साथ। तो इसे हम किस तरह से करेंगे ये मैं आपको करके बताती हूँ। जी आपने क्या करना है, एक दफ़ा आपने एल एम मल्टीप्लाई एल जी इस फॉर्म में राइट किया, फिर इसके बाद प्लस, ये प्लस इधर आ जाएगा, फिर यही एल एम मल्टीप्लाई एम। अब बच्चे देखें हमने इसे इस तरह से इसके जो है वो इस तरह हमने जो है इसके टू टर्म्स में चेंज कर दिया है। अब ये देखें यहाँ पे जो सेम वेरिएबल्स हैं जब वो मल्टीप्लाई होंगे तो उनकी पावर्स क्या होंगी, ऐड होंगी। जैसे कि ये भी एल है, ये भी एल है, तो आप यहाँ पे जो है वो राइट कर सकते हो इस तरह से एल वन प्लस वन एम, क्योंकि यहाँ पे इसकी पावर भी वन है और तो इसकी भी वन है, तो वन प्लस वन एम, तो इसे आप राइट कर सकते हैं एल एम वन प्लस वन। तो इसे फिर एंड पे हम इस तरह से राइट कर सकते हैं एल स्क्वायर एम प्लस एल एम स्क्वायर। तो इस तरह से हमने इसे मल्टीप्लाई कर दिया है, बहुत ही ज़्यादा इजी है सेवन्थ क्लास। अब नेक्स्ट देखें इसका जो है वो एट पार जो है इसमें जो है थ्री टर्म्स हैं, तो हम जो है थ्री एक्स इन तीनों के साथ वन बाय वन मल्टीप्लाई होगा। एक दफ़ा हम फर्स्ट टर्म के साथ करेंगे, एक दफ़ा सेकंड, और इसी तरह एक दफ़ा हम थर्ड टर्म के साथ करेंगे। जी इसी तरह से जैसे मैंने ऊपर आपको समझाया, आप यहाँ राइट करें थ्री एक्स मल्टीप्लाई एक्स माइनस थ्री एक्स मल्टीप्लाई टू वाई माइनस थ्री एक्स मल्टीप्लाई टू जी। जी अब ये देखिए इनके जो यहाँ पे वेरिएबल्स हैं, अब कोफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई होंगे, और वेरिएबल जो है अगर तो सेम है तो इनकी पावर्स ऐड होंगी, अगर सेम नहीं है तो जैसे है हमने ने वैसे ही राइट कर देना है। जैसे कि ये थ्री है, थ्री यहाँ पे इसके साथ वन है, तो थ्री वन जा थ्री, तो एक्स के साथ वन प्लस वन पावर्स ऐड हो जाएंगी यहाँ से। फिर जब थ्री टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो थ्री टू जा सिक्स, एक्स जो है और वाई ये दोनों डिफरेंट हमारे पास वेरिएबल हैं, तो इस तरह हम इसे एक्स वाई लिख देंगे। फिर माइनस, फिर थ्री जो है ये टू के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा सिक्स, और इसके बाद एक्स और जी है ये सेम वेरिएबल्स नहीं है, तो इसे हम इसी तरह से लिख देंगे एक्स जी। फिर इसके बाद जी थ्री एक्स स्क्वायर दोनों ऐड होंगे तो थ्री एक्स हो जाएगा, थ्री एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स वाई माइनस सिक्स एक्स जी। जी ये जैसे हैं हम इन्हें वैसे ही राइट कर देंगे। तो बच्चे देखिए नेक्स्ट जो है आपकी डायरी वो है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 3, 6 एंड 9। ये आपने होमवर्क करना है, एक्सरसाइज है 8.3। जी तो ये बहुत ही ज़्यादा ईजी है सेवन्थ क्लास, बाकी इसके तमाम क्वेश्चन आपने प्रैक्टिस करनी है और अपने पेरेंट्स को चेक करवाना है, जो होमवर्क आपको बताया गया है आपने ये होमवर्क करना है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।